देखिए, आतंकित होने का और भयभीत होने का कोई भी कारण नहीं है। अखबार से कोरोना वायरस संक्रमण का चांस प्राय नेग्लिजिबल, एकदम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है। घबराइए मत, अखबार पढ़ना इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अखबार में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे ये वैश्विक एक महामारी है, और अखबार में जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको हमेशा वेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको कोई एडिट करता है, और भूल भ्रांति इसमें जो जिसको रूमर्स बोलते हैं अखबार में नहीं छपते हैं। और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि कैसे रहिए, क्या करिए, कहाँ पर कर्फ्यू लगा है, किधर आपको जाना है, कैसे करना है, ये सब वाइटल इन्फॉर्मेशन अखबार में ही मिलता है, जिसके कारण अभी भी देखिए प्रिंट मीडिया चल रहा है पूरे देश में। यह एसेंशियल सर्विस के तालिका में ही आता है, जैसे कि दूध, ब्रेड, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रिंट मीडियम और आपके टीवी चैनल सब खुले हैं, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विस है। अगर एसेंशियल सर्विस नहीं होता तो भारत सरकार क्यों इसको अलाउ करती। और कई भूल भ्रांति लोगों के मन में कैसे आया मालूम नहीं कि अखबार से कोरोना वायरस संक्रमण होता है, ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो हम खुद घर पे अखबार नहीं लेते, हम लोग रोज़ अखबार लेते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। और अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो अखबार पढ़ के अपने आप को जागरूक करिए, पढ़िए कि क्या सच है और क्या गलत है, कैसे रहन सहन करना चाहिए। और ये हमारे लिए इस समय मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा पूरा देश एक आपातकालीन स्थिति से जा रहा है, और हमें सबको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। और जैसा जैसा गवर्नमेंट का ऑर्डर्स आता है या कोई भी तरह का हमको गाइडलाइंस आता है, उसको फॉलो करना चाहिए, इससे हम बचे हुए रहेंगे।